गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के चैनल पे। और आप सबको पता है कि मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे मेक वन बिलियन, और इस पे हम लोग अपना करते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज शुरू की है मैंने, जिसमें मैं ये आपको बोलता हूँ कि आप मेरे साथ ट्रेडिंग करके आप मतलब शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वन है जिसका 35 डेज हो चुका था 6 दिन पहले, तो आज 42 डेज होना चाहिए, 42 या 43 डेज, हम लोग ये देखेंगे। प्लीज आगे बढ़ने से पहले मेरा यही सजेशन है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग आपको यही बताएंगे कि अभी तक जो मैंने आपको स्टॉक खरीदे हैं, बाई किए, उनकी क्या पोजिशन है, यानी वो कितने लॉस में है, कितने प्रॉफिट में है। जैसा आपको पता है कि इसका पूरा टारगेट हमारा है कि हम 300 डेज में 10% की अर्निंग कर सकें, और साथ में 5 शेयर मैं एडवाइस करूंगा जो आप अब खरीद सकते हैं। अब राइट टाइम है उनको खरीदने का, बाई करने का, आप चाहो तो आप खरीद सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है। और साथ में ये भी एडवाइस देना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में वही आपके पूरे अर्निंग के मैक्सिमम 10% लगाइए। अगर आज आप ये आपका पहला साल है, अगर ये आपका शेयर मार्केट में दूसरा साल है तो आप 20% मैक्सिमम लगा सकते हैं, तीसरा साल है तो 30%, चौथा साल है तो 40%। आप अपने पूरे अर्निंग का लगाइए, अर्निंग मतलब आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, तो वहां पे जो कमा रहे हैं उसका वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट वो पूरी चॉइस आपकी है। बट मिनिमम 10% तो आपको चाहिए जो आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर लूज भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 10% चाहिए अगर आप बिगिनर हो। तो चलिए शुरू करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम आ जाते हैं चार्ट पे। ये पूरी शीट है जो ये दिखाती है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ये शेयर्स हैं जो खरीदे हैं, और ये जो व्हाइट शेयर्स हैं ये जीटीटी में लगे हुए हैं। जीटीटी एक ऑप्शन है जिसमें मैं अपने प्रॉफिट को आगे बढ़ाता जाता हूँ, ट्रेल करता जाता हूँ। तो एशियन बजाज फाइनेंस एंड अदानी इंटरप्राइज, आप देख सकते हो कि 24%, 18% और 13% प्रॉफिट में है, और इन्होंने 10% बहुत पहले ही अचीव कर लिया था। एक्चुअली आप देखोगे तो एशियन पेंट ने तो 20 दिन में ही अपना 10% अचीव कर दिया था, और ये जो 14% है वो एक्स्ट्रा है। इवन बजाज फाइनेंस ने भी 14 डेज में अपना 10% अचीव किया है। अदानी ने शायद 10 अगस्त नहीं अभी इसका अचीव हो चुका था, बट मैंने चेंज नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर दूंगा। इसने शायद फ्राइडे को ही अचीव कर लिया था अदानी इंटरप्राइज ने। तो आप देख सकते हैं ये टोटल है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरा 24% चल रहा है, क्योंकि मैंने उसको जीटीटी में ट्रेल किया है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम अंदर जाते हैं शेयर मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पुराना शेयर मैंने खरीदा है ग्लास्को का, जिसमें तो 5 जो खरीदे थे उसमें से एक ही बाकी है, ग्लास्को फार्मास्यूटिकल्स, बाकी सब बिक चुके हैं और 44 डेज हो चुके हैं। ओके चलिए 44 डेज हो चुके हैं, और आपको दिख सकता है कि 10 अगस्त आज की डेट है, बट इनको खरीदा था मैंने 27 जून को, यानी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 27 जून को, और 44 डेज में उसने अभी तक माइनस में ही, निगेटिव ही चल रहा है, क्योंकि ग्लास्को अभी एक्चुअली अपने 52 वीक के लो पे चल रहा है। 52 वीक का लो क्या होता है, देखिए कोई भी शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को जज करते हैं तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो से जज करते हैं। तो 52 वीक में सबसे ज्यादा जो लोवेस्ट वैल्यू पे शेयर मार्केट पहुंचा रहता है उसको हम बताते हैं। तो पिछले हफ्ते वो अपने लोवेस्ट को टच किया था, तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है बाई करने की एक्चुअली, क्योंकि ग्लास्को बहुत ही अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और आप इसको बाई कर सकते हैं, बट वो आपकी चॉइस होगी। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन है। सबसे ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे 21% भी दिख रहा है और 8.85% दिख रहा है, हम ये दोनों को देख लेते हैं। तो कौन सा सबसे ज्यादा नेगेटिव है, विप्रो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो ये हमारे लिए एक अदर बाई का ऑप्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे कर सकते हैं, और आप देख सकते हो कि हमारा टोटल पोर्टफोलियो आज के टाइम पे 5.56% पॉजिटिव में है, यानी अभी हमें 5% और पाना है, लेकिन ठीक है, हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे सबसे पुराने स्टॉक भी अपने इसको कवर करते जाएं, यानी सबसे ज्यादा दिन हम 300 दिन किसी भी स्टॉक के लिए क्रॉस ना करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज आपको दिखाता हूँ, और इसमें पॉजिटिव तो आपने देखा ही था, लेकिन हम देखेंगे कौन सा सबसे ज्यादा क्लोज चल रहा है अभी, जो 10% को तुरंत ही अचीव कर लेगा। लेकिन ठीक है, दोनों पॉजिटिव है काफी। और चलिए देखते हैं फिर हम आज के 5 शेयर जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। पहला शेयर है महिंद्रा। ये शेयर मैंने बीच में प्रॉफिट कमाया था और बेच भी दिया था, और इसकी आज
8 अगस्त लिखा है एक्चुअली, लेकिन मैं इसको 10 अगस्त को खरीदूंगा। ये मैं 10 तारीख को बताने वाला था बट रह गया, 10 अगस्त को खरीदूंगा। ठीक है, अच्छा ये अभी चेंज नहीं होगा। तो दो तीन स्टॉक खरीदूंगा महिंद्रा महिंद्रा के। तीसरा दूसरा स्टॉक है मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। काफी दिनों से वहीं पे स्टेबल चल रहा है, लेकिन इसके 4 स्टॉक ले रहा हूं मैं आज के टाइम पे, और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इसके लिए 2000 की इन्वेस्टमेंट होगी। ये आपके बजट के हिसाब से आप अपना शेयर चूज कर सकते हैं। तीसरा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको भी मैं आज खरीदूंगा 2 क्वांटिटी, और इसको भी आप चूज कर सकते हैं अपने। चौथा शेयर है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी मेरे जीटीटी में लगा हुआ, बट मैं चाहता हूँ कि 2-3 और ऐड कर लूँ हाई प्राइस पे। तो क्या होगा कि जो बिक गए बिक जाएंगे, लेकिन मुझे फिर पता चलेगा कि भाई ये अभी कितने नीचे गए, देन आई कैन गो फॉर इट अगेन। और अभी जीटीटी में लगा हो तो फर्क नहीं पड़ता, ये उसमें भी ऐड हो जाएगा, एवरेज आउट करके वो 10% से ऊपर ही रहेगा, तो जिस दिन भी बिकेगा सब बिक जाएगा। और विप्रो लिमिटेड मेरा आज का है, जैसा आपको बताया कि सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो मैं विप्रो में जरूर इन्वेस्ट करूंगा और विप्रो को ही लूंगा। और विप्रो का आप देख सकते हो कि मैंने 2 स्टॉक आज ऐड कर लिए हैं। तो ये टोटल स्टॉक है जिसके जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मेरे होल्डिंग्स में जाएंगे, ये मेरे टॉप के स्टॉक्स हैं, जो 27% आप देख सकते हो कि एशियन पेंट है, बजाज फाइनेंस 18% है, ओरिएंट हॉट, मिड कैप, ये सब आप रहने दीजिए, ये छोटे स्टॉक है काफी। ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन के लिए लिया था। हिंद कॉपर मेरा 15% पे है, और अदानी इंटरप्राइजेस आप देख सकते हैं 13% पे पहुंच चुका है। तो ये टोटल टॉप स्टॉक्स हैं, और इसके साथ ही मैं ये मेरे टॉप के स्टॉक हैं, और इसके साथ मैं आपको क्या दिखाने वाला था, चलिए विप्रो का हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे कि हमें इसको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या रहता है और लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो हम जैसा आपको पता है कि हम लोग हमेशा इसके फंडामेंटल्स को जाके चेक करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू है 1 मंथ का रिटर्न का 4%, 1 ईयर का रिटर्न 27% है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इसको बाई कर लें आज के टाइम पे, क्योंकि हम इसको 27% प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। बीटा आप देख सकते हो 0.44 है, पीबी 3.68 है, पी 19.67 है, डिविडेंड यील्ड ये देता है 1.37 के करीब, और 52 वीक का लो जो था 391 था, और करंट प्राइस जो चल रही है आप देख सकते हो कि कितनी चल रही है, 435 चल रही है, लो से काफी ऊपर है। ठीक है, अभी हम इसको चलो देख लेते हैं पिछले 5 साल का एनालिसिस अगेंस्ट द SIP ऑल्सो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में क्या बोलता है। ये नीचे गया है, ये पूरा नीचे गया है। ठीक है, और अगर हम 1 डे का देखेंगे तो नीचे था, 1 वीक का देखेंगे तो 1% रिटर्न है, 1 मंथ का आपने पहले देख चुके हैं 5%, 1 ईयर का रिटर्न इसका 5 ईयर्स का रिटर्न आप देखिए, चलो देखते हैं, तो यानी इसने 100% रिटर्न दिया है। और अगर इसका मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम जनवरी 2000 से है, आज 2020 है, तो आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है ये वाला ही सीनरी आज के टाइम पे बना हुआ है। और अगर हम SIP इसमें लगाते हैं तो SIP में हमारा इसमें पॉजिटिव ही है, यानी आप 6000 लगाओगे तो आपको 8700 तक अब तक मिला होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, तो वो निगेटिव है इसके लिए। और ROE तो इसके FD से बेटर है, डिविडेंड रिटर्न भी इससे बेटर कोई देता है एंट्री, और इसे प्रोफेशनल वे में जाएंगे अगर तो अगर आप इसको आप देखेंगे तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ, यानी कंपनी आपको डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी नहीं दे रही है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इस कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत कम है। अमंग द टॉप परफॉर्मेंस इज क्वालिटी चेक है, ग्रोथ स्कोर भी इसका काफी सेटिस्फैक्टरी है। तो अगर आप इसके फाइनेंशियल पे जाओगे तो आप देखो ओवरव्यू, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू आपको दिख जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लार्ज कैप में कंपनी है, जिसका टोटल वैल्यू इतना है 2,38,400 है। लो रिस्क स्टॉक इज 1.62x एज वोलेटाइल एज निफ्टी, तो यानी उससे बेटर ही परफॉर्म कर रहा है अपने निफ्टी से। की मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, और फोरकास्ट आप देख सकते हैं 29% है, अभी भी बोला प्राइस अपसाइड -5%, प्राइस अर्निंग रिवर्स ग्रोथ है 30%, यानी आज के टाइम पे इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। बट मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप इसको अभी ले लेंगे तो आपको ऑलरेडी 27 का प्रॉफिट मिल रहा है,
तो वो आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। आप विप्रो के कंपेरिजन में तो आपको पता है कि टाटा, टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में भी और बिजनेस वाइज भी। और लार्सन इंफोटेक भी आप देख सकते हो कि उसने अच्छा खासा पैसा बनाया है आपके लिए भी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं अभी इसमें, ठीक से होल्डिंग्स में देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क कर रहे हैं इसके लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें देखो इंस्टीट्यूशन में घाटा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण ये नीचे गिरा। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग्स आज भी सेम है, प्रोमोटर अपने पास सेम होल्डिंग्स बनाकर म्यूचुअल फंड में ये बढ़ा है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। और डोमेस्टिक में हम देखेंगे तो डोमेस्टिक में भी थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, जनवरी मार्च के कंपेरिजन में बहुत कम, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि विप्रो का उतना ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, तो उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, खासकर अजीम प्रेम जी के थोड़ा सा शायद कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है पॉइंट। बट आज के टाइम पे मैंने तो अभी बाई कर लिया है, बाकी आपकी चॉइस है कि आपको बाई करना है कि नहीं करना। 42 एनालिसिस से 29% पॉजिटिव बोला है, बाकी रेस्ट लेस है। तो आप इसके कंपेरिजन में इसके जो कॉम्पिटिशन स्टॉक थे आपने देखा, आप अगर चाहो तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो। आपको कोई भी सजेशन चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे।